थैंक यू मिस्टर मेहंदी रजा सर, आपने हमें फिर समय दिया और आप बच्चों के साथ। हम कल वाले विषय को ही दोबारा जारी करेंगे। हम जिस विषय पर कल बात कर रहे थे कि हमें पढ़ने के लिए, याद करने के लिए अपने मस्तिष्क के दोनों हिस्सों का उपयोग करने की कला आनी चाहिए, उसकी प्रविधि आनी चाहिए, टेक्निक आनी चाहिए। और जैसा हमने कल बताया आपको कि हमारा मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा क्या होता है, आर्टिस्टिक होता है, कलरफुल होता है, साउंड सेंसिटिव होता है, इमोशनल होता है। हमारे मस्तिष्क का बायां हिस्सा तार्किक होता है, मैथमेटिकल होता है, एनालिटिकल होता है, फैक्चुअल होता है, इन चीज़ों पर फोकस होता है। हम यदि अपने याद करने की टेक्निक को इन दोनों हिस्सों का उपयोग करके प्रयोग करें तो जल्दी याद होगा। हमने कल आपसे दो छोटे उदाहरण लिए, लाइफ बाय साबुन लिखवाया, च्यवनप्राश लिखवाया, और आप में से अधिकांश लोगों ने सही नहीं लिखा। आइंस्टीन लिखवाया, अधिकांश लोगों ने सही नहीं लिखा, और जबकि ये हम जिंदगी में कितनी बार इन शब्दों से हम गुजरे होते हैं। एक अंग्रेजी में शब्द है एसेसिनेशन, कोई जानता है आप में से कोई बच्चा व्हाट मींस एसेसिनेशन? है मर्डर। शाबाश, क्या नाम तुम्हारा? है मुशर्रफ, बहुत ही बढ़िया, शानदार। और कोई बच्चा जानता है एसेसिनेशन? इस बच्चे को पता है एसेसिनेशन। आप सब अपनी कॉपी में एसेसिनेशन लिखो, लिखो तुम एसेसिनेशन लिखो। आप सब ने सुना होगा फॉरेन, है ना? सब लोग लिखो फॉरेन, फॉरेन लिखो, फॉरेन लिखो, एसेसिनेशन लिखो। सबने लिखा? जिसने ये नहीं लिखा है ये स्पेलिंग F O R E I G N, जिसने नहीं लिखा वो हाथ उठाओ। और कई लोग हिचकिचाओ मत इसमें कि मैंने नहीं लिखा है मुझे को डांट पड़ जाएगी। एसेसिनेशन, एसेसिनेशन, जिसने ये स्पेलिंग नहीं लिखा है वो हाथ उठाओ एसेसिनेशन की, है ना? और जबकि ये शब्द हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, चेकोस्लोवाकिया में कल पूछ रहा था, आप में से ज्यादातर लोगों ने नहीं लिखा है चेकोस्लोवाकिया। कहीं जाके कल देखा पढ़ा कि चेकोस्लोवाकिया का नाम की कोई देश है? नहीं। देखो चेकोस्लोवाकिया, इसको हम डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, यहां ये करेंगे और ये इरेज, इरेज ऑल करेंगे, ये करेंगे। तो चेकोस्लोवाकिया, आप सिंपल सी एच ओ इतना लिखो, और इसके पहले सिंपल है सी पहले ई फिर जेड और सी, बस ये तीन शब्द याद करो सी जेड ई। ये है टोटल चेकोस्लोवाकिया। हमने भी तुम्हारे सामने लिखा एसेसिनेशन, एसेसिनेशन। स्पेलिंग नहीं याद होती है, याद करने के टेक्निक बनाई जाती हैं। जैसे मैं जब हिस्ट्री पढ़ा करता था तो वो पूरी मुगल सल्तनत का क्रम अक्सर लोगों को भूल जाता है, मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म बना लिया बाहु अज शाह, ऐसा बना लिया। बा से बाबर, हु से हुमायूं, आ से अकबर, जा से जहांगीर, शाह से शाहजहां, और फिर तो ऐसे पूरा आप एक शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। एसेसिनेशन की स्पेलिंग नहीं याद आती है, याद कर लो। बोलो गधा, हाँ बोलो बोलो, गधे के पीछे गधा, बोलो बोलो, गधे के पीछे गधा,
उसके पीछे मैं और मेरे पीछे पूरा देश। देखो ए डबल एस, फिर देखो ए डबल एस, फिर आई और नेशन। जिंदगी में नहीं भूलेगा एसोसिएशन, ए डबल एस, ए डबल एस, आई एन ए टी आई यू एन। ये याद करने की टेक्निक्स है। कैसे याद करें? हम जो परीक्षा देते हैं, हम कल इस बात का उदाहरण आपसे ले रहे थे कि परीक्षा में जब हम अपना एनालिसिस करना चाहिए कि हम ही व्यक्ति हैं। दो घंटे की आपका परीक्षा बोर्ड का बीटीए कितनी देर की होती है? ढाई घंटे की। हमारे लर्निंग प्रोसेस में सिटिंग पॉस्चर का बड़ा रोल होता है। हम बिल्कुल ऐसे रिलैक्स बैठे हुए हैं, वो हमारी बॉडी की एनर्जी डाउनवर्ड जा रही है। ठीक, अब वो देखो कितना अलर्ट बैठा है बच्चा। ठीक, जब अलर्ट बैठे हैं हमारी एनर्जी अपवर्ड है। ठीक, मैंने ये बताया तुरंत लोग अलर्ट हो गए कि मुझे कैसे बैठना है। ये भी हमारे लर्निंग प्रोसेस को, हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, यही होने को दर्शाता है कि हम कितने प्रेजेंट में हैं। प्रेजेंट में नहीं होने से भी याद होता नहीं है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं एग्जाम में बारिश होती ना, बारिश के समय क्या रहता है? आंगन में बर्तन पड़े हैं, सीधा बर्तन है, कोई औंधा बर्तन है, कोई टेढ़ा बर्तन है, बारिश एक जैसी हो रही है, लेकिन सीधे बर्तन में पूरा पानी भरता है, टेढ़े बर्तन में कम पानी भरता है, औंधे में एक बूंद नहीं जाती है। और वो बर्तन आपस में शिकायत करे, मेरे पे तो ज्यादा बरस गया, मेरे पे तो कम बरसा, मुझ पे बारिश ही नहीं हुई। ऐसे टीचर जो है पढ़ाता सबको एक जैसा है, फिर भी कोई ज्यादा कोई कम नंबर क्यों पाता है? निर्भर